नमस्कार, मैं आपके साथ रोविंद श्रीवास्तव। आज हम मध्य प्रदेश में हैं, इंदौर में। यहाँ पे चुनावी माहौल है, चुनाव में जनता किसे देखना चाहती है, कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, जनता से सीधे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? ममता वर्मा। क्या लगता है कौन जीत रहा है आपके यहाँ? कमल का फूल। कमल का फूल, क्यों कमल का फूल? ये तो कह रहे हैं संजय शुक्ला जी जीत रहे। नहीं, कमल का फूल ही जीतेगा भैया। आपको जो योजनाएं अभी निकाली हैं बीजेपी ने, वो आपको उनका लाभ मिल रहा है? नहीं, बहना। हाँ, मिल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश। योगेश, हाँ। क्या लगता है तुम्हारे यहाँ कौन जीतेगा? प्रोबेबली जहाँ तक है बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी जीतेगी? अभी तो कैलाश जी का पकड़ा भारी दिख रहा है। कैलाश? हाँ। अच्छा, कैलाश जी क्यों? आप तो अभी स्टूडेंट हो। हाँ। तो क्यों कैलाश जी? अभी क्योंकि जितने भी लोग हैं, सब जितनों से भी आप पूछोगे, प्रोबेबली सब लोग ज़्यादातर उनका ही नाम लेंगे। अच्छा। अभी उनका प्रचार भी बहुत ज़ोर से चल रहा है, और वो जो भी हमारे इंदौर के रहवासी हैं, वो सब भी उनसे बहुत मतलब प्रेम करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत सालों से उनने अपने पितृपर्वत का भी काम करवाया। कहते हैं कि इंदौर हमने बहुत साफ कर रखा है। इंदौर साफ है? साफ है। अच्छा। पर हाँ, अगर आप मेन मेन जगह देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सफाई दिखेगी। अगर आप अंदर की गलियों में जाएंगे, अंदर कॉलोनीज में जाएंगे, तो वहाँ आपको मिल सकता है थोड़ी बहुत सफाई। हाँ। इस कौन सी क्लास में हो? टेंथ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में पढ़ते हो? प्राइवेट। धनी वीरा स्कूल। कहते हैं कि सरकारी स्कूल के जो आपके दोस्त वोस्त हैं, उन कहते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल रही है क्या? स्कॉलरशिप हाँ मिल रही है, और अगर 75% के ऊपर लाएंगे तो उनको 25,000 रुपये इनाम भी मिल रहे हैं। 25,000 रुपये? 75% 75% के जो अप में आएंगे, मतलब जो ऊपर आएंगे। हाँ। वो प्राइवेट हो सरकारी हो? सरकारी हो। सरकारी, प्राइवेट में नहीं मिलेंगे। मतलब वो शिवराज सिंह चौहान जी देंगे? अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जी देंगे। क्या लगता है इस बार आपके यहाँ चुनाव में कौन जीत रहा है? मोदी जी। मोदी जी, मतलब इस बार विधानसभा के चुनाव में? विधानसभा के चुनाव में आपके यहाँ से संजय शुक्ला जीतने वाले हैं कि कैलाश विजयवर्गीय? अभी ऐसा तो पता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जो जी हैं वो बीजेपी से हैं, संजय शुक्ला जी हैं वो कांग्रेस से। वो उसको बोल। क्या जी? मोदी जी। अच्छा, सबके मन में मोदी। मोदी जी कमल जीतेंगे। बीजेपी? बीजेपी क्यों? बीजेपी मोदी जी ने काफी अच्छा काम करवाया है, अगर आगे मोदी जी को कंटिन्यू रहना है तो बीजेपी को ही जीतना है। अच्छा, आपके यहाँ पे विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के 24 में। तो विधानसभा के लिए पहले विधानसभा में भी तो बीजेपी आनी चाहिए ना। अच्छा, तो आपके यहाँ से कैलाश जी हैं, संजय शुक्ला जी हैं, संजय शुक्ला जी कांग्रेस से हैं, आप बताएं आप कौन जीत रहे हैं? कैलाश जी। कैलाश जी कहते हैं कि कैलाश जी ने कुछ काम करे हैं? हाँ, उनके एरिया में तो किए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रमोद यादव। प्रमोद यादव, क्या लगता है जी आपके यहाँ से इंदौर में कौन जीत रहा है विधानसभा? सर बीजेपी जीत रही है। वैसे थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे क्या? बीजेपी जीत रही है। क्यों बीजेपी जीत रही है? क्योंकि सर उसने मतलब बहुत सारे कार्य करे हैं। वैसे अच्छा, कौन जीत रहा है? आप किसका सहयोग कर रहे हैं? हम तो बीजेपी का करते हैं। बीजेपी का कर रहे हैं, क्यों बीजेपी? बस हम शुरू से उन्हीं का करते आ रहे हैं, और उनकी हमको सब अच्छा लगते हैं, उनकी योजनाएं वगैरह सब। लाडली बहना योजना जो निकाली है, उसका सब सम्मान या सहयोग मिल रहा है आपको? मिल रहा है ना सहयोग? मिल रहा है। इस बार आपके यहाँ कौन है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी योजनाएं अच्छी है ना उनकी? योजनाएं अच्छी है। कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं बीजेपी सरकार में, कर रहे हो आप? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सुनील जैन। सुनील जैन, क्या लगता है कि आपके यहाँ से इंदौर से इस बार कौन विधानसभा में जीत रहा है? विधानसभा में क्षेत्र एक से तो कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय जी क्यों जीत रहे हैं? उनका नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफ़ी है। कहते हैं हमने बहुत काम करे, क्या लगता है काम करे आपके? तरे तरे दो चार काम गिनवाइए आप। अरे क्या काम दिनवा, इंदौर तक नाम ही सफाई से लेते नंबर वन सफाई में सब में ही है। और किस में कह रहे कि हमने कि बहनाओं के लिए, लाडली बहना के लिए योजना निकाली? ये तो योजना है अपने आप में। कैलाश जी अपने आप में जीत रहे हैं। कहते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षित करा, रात के 12 बजे चले, सही कहते हो? हाँ सही बात है। रात आप क्या कहेंगे? बीजेपी के राज में विकास हुआ है, अच्छा। हाँ। विकास हुआ है। हाँ। आर्थिक राजधानी के रूप में इंदौर जाना जाता था, अब तो और विश्व पटल पर इंदौर स्वच्छता के लिए जाना जाने लगा है। बीजेपी ने विकास किया है, यहाँ की रोडें देख सकते हैं आप, सफाई देख सकते हैं। पहले नाले कितने गंदे पड़े हुए करते थे, खान नदी की तरफ से निकलने पे बदबू आती थी। आज ऐसा कुछ नहीं है, खान नदी के पास से निकलने बदबू आ रही है। स्वच्छता खान नदी में भी हुई है। व्यापार में भी वृद्धि हुई है। कौन जीत रहा है?
यहाँ से जीत का तो कुछ पक्का कह नहीं सकते, मगर कड़ी टक्कर है विजय वर्गीय जी और संजय शुक्ला जी के बीच में। विधानसभा किसका सहयोग कर रहे हैं? अब सहयोग तो अपन बीजेपी का कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किए हैं, कांग्रेस ने सिर्फ बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं करती। कांग्रेस बेवकूफ बना रही है? हाँ, बेवकूफ बनाती है कांग्रेस। अच्छा, माता जी किस तरह से बेवकूफ बनाती? कांग्रेस ने जैसे पिछली बार सरकार आई थी, 15 महीने की सरकार आई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा दिखा दिखा कर कैंपेनिंग करा कर सरकार बना ली थी, चेहरा दिखाया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मुख्यमंत्री बनाया कमलनाथ जी को, और उसमें जो वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं हुए कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वो 10 दिन के अंदर कर्जा तो माफ नहीं हुआ, बट ना मुख्यमंत्री बदला, जो राहुल गांधी स्टेज से आकर बार बार कहते थे कि 1, 2, 3 और 10 दिन के बाद कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ना मुख्यमंत्री बदला, ना उस लेवल पे कर्जा माफ नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था, जितने 10 दिन में किया है कम किया है। कहते हैं समय कम है, कर्जा ज़्यादा है, इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया।